अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैम कैम में खुश आमदीद। गाइज़, आज हम जो कैमरा लेकर आए हैं वो है नाइकोन का मॉडल D5000। जी, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसके प्राइजेज़ के बारे में, इसके स्पेसिक्स के बारे में और इसकी कंडीशन के बारे में आपको बताएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आप चेक करें, इसके साथ इसका ये बैग है, लग्जरी बैग है, बेहतरीन। तो ये इसकी केबल है। पहले एसेसरीज़ का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। ये इसका कैप है, लेंस का कैप। पैकिंग में अभी ये इसकी ओरिजिनल नाइकोन की स्ट्रैप है, नेक स्ट्रैप नाइकोन की। ओरिजिनल जो ये बैटरी है, लिथियम बैटरी, टाइमिंग इसकी बेहतरीन है, तकरीबन न्यू बैटरी है ये। और इसका ओरिजिनल ही नाइकोन का जो चार्जर है इसके साथ। और अब हम जाते हैं कैमरे की तरफ। तो गाइज़, तकरीबन ये बेहतरीन कंडीशन में है यूज़, लेकिन माइनर और फर्स्ट हैंड यूज़ हुआ है। फ़र्स्ट ओनर से ये परचेज़ किया हुआ है, बेहतरीन। जो मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ इसकी कंडीशन, इसको जो लेंस लगा हुआ है, DX का लेंस लगा हुआ है, 1870 mm का, इंडोर आउटडोर के लिए बेहतरीन ये, जूम और ब्लर के लिए। कंडीशन आपके सामने आप चेक कर सकते हैं वीडियो में, जापानी लेंस है प्योर, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये बैक साइड से नो ओपन नो रिपेयर, हर चीज़ इसकी लॉक बिल्कुल ओके है, मेमोरी कार्ड का भी। और इसका चेक कर सकते हैं आप, बैटरी का सारे लॉक ओके हैं। अदरवाइज़ यूज्ड जितने भी कैमरे होते हैं उनमें अमूमन ये देखा जाता है कि उनके ये नंबरिंग आप चेक कर लें, नाइकोन बिल्कुल वैसे, ये नंबरिंग जितनी भी है ये डल हुई होती है, मतलब मिट्टी हो जाती है इससे। और ये बिल्कुल वैसे के वैसे लिखे हुए फ़र्स्ट ओनर। इसकी माइक क्वालिटी बेहतरीन है, यूट्यूबर के लिए ठीक है, टिकटॉक और या वीडियो पर्पज़ के लिए। वीडियो क्वालिटी भी इसकी HD है और फ़ोटोग्राफी के लिए भी बेहतरीन चीज़ है ये। और कंडीशन में इवन के यूज्ड जो होते हैं उनके ये 5000 जो होता है ये भी डल हो गया होता, नज़र नहीं आता ये। इसकी हर चीज़ कंडीशन, मतलब यूं ही लगा लो कि जैसे 10x10 कंडीशन में ये आपके पास है। रोटेटेबल इसकी ये स्क्रीन है, इसको आप कर सकते हैं जैसे भी, जिस साइड पर भी आप इसको घुमाना चाहें इसको घुमा सकते हैं, ये ऊपर नीचे ऐसे फिक्स करके इसको लगा सकते हैं। एक हाथ अभी मेरा तो वो हो नहीं पा रहा, वरना मैं आपको करके दिखाता। इसका रोटेटेबल स्क्रीन है, स्क्रीन पे भी कोई स्क्रैच नहीं है, मतलब स्क्रीन भी जो है कि 10x10 ही कंडीशन में है। आप देख सकते हैं ये लेंस है, लेंस ही तकरीबन ये 12 से 13 हज़ार रुपये का, इससे भी महंगा लेंस है ये, ठीक है। तो DX लेंस है ये, जूम के लिए, वीडियोग्राफी करो चाहे फोटोग्राफी करो, जैसे इंडोर आउटडोर जैसे भी। ऑटो फोकस जो ये लेंस है, मैनुअल फोकस ऑटो फोकस जैसे मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ इसकी ये एसेसरीज़ मैं ऑलरेडी दिखा गया हूँ, ऑलरेडी ओरिजिनल स्ट्रैप है ये इसकी, ये चार्जर की केबल है, ओरिजिनल ये चार्जर है, और ये नाइकोन की इसकी बैटरी है, कार्ड इसके साथ नहीं है। और ये इसका कवर है और वो इसकी वो बैग है। अभी मैं थोड़ा सा इसको आपको ना ऑन करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं मैंने ऑन किया है इसको अभी, तो और इसकी स्क्रीन भी मैंने ऐसे कर दी हुई है, ये चेक कर लें। इसका डिस्प्ले वगैरह ये सारा आपके सामने है, ठीक है। लाइव मोड है इसके अंदर, लाइव स्क्रीन से आप व्यू फाइंडर से भी देख सकते हैं सारे। इसकी कोई नंबरिंग नहीं इसकी, वो रिमूव हुई हुई, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में ये रखा हुआ है। तो गाइज, इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 28,500 इसकी प्राइस है। ये मार्केट से आपको 30+ का मिलेगा। ये सारी इसके साथ ओरिजिनल इसकी एसेसरीज़ हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है इसी कैमरे के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।